इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में चल रहे टेस्ट मैच तो इंडिया ने जीत लिए है। यो टेस्ट मैच इंडिया आई टीम मात्र 3 दिन में ही आपका नाम कर लियो। ये टेस्ट मैच ने जीतबा में सबसे ज्यादा रोहित शर्मा और जयसवाल को योगदान हो। जयसवाल साहब आपको पल्लवी मैच वेस्ट इंडीज जाएगी कमजोर टीम के साथ खेलो और ये मैच में शतक जड़ दियो। वेस्ट इंडीज की टीम ने रानो कोई बड़ी बात कुनी, यह टीम जिम्बाब्वे की टीम से हार सके है तो टीम इंडिया के लिए तो यो बहुत ही आसान काम हो। फिर भी रोहित शर्मा और अश्विन जैसे खिलाड़ी आपको नाम ये मैच में कर लियो। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में टेस्ट सीरीज में बिल्कुल भी रोमांस देखने को मिल जाओ, लेकिन अब सबकी नजर टेस्ट सीरीज से अटकी एशियन चैंपियनशिप पर जा टिकी। एशियन चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया के मेंस और वुमेन्स टीम की दोनों की घोषणा हो चुकी है। वुमेन्स टीम के कप्तान की बात करें तो टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर के हाथ में दी गई है और उप कप्तान की जिम्मेदारी स्मृति मंथाना के हाथ में दी है और एशियन चैंपियनशिप के लिए वुमेन्स की नियमित टीम उतर गई है। अब अगर बात करें मेंस टीम के बारे में तो मेंस टीम में आईपीएल के सुपरस्टार ने मौके दिए गए हैं। मेंस टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में दी गई है और इस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा जयसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू जैन के खिलाड़ी ने शामिल कराए गए और भी बहुत सारे नए खिलाड़ी ने इस चैंपियनशिप में मौके दिए गए हैं और उन सबका नाम थाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टीम इंडिया की मेंस टीम पहली बार एशियन चैंपियनशिप में उतरसी, इससे पहले भी 2010 और 2014 में मेंस टीम ने शामिल करी गई लेकिन तब टीम इंडिया हिस्सों को नहीं लियो। 2010 में पाकिस्तान की टीम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतो और बात करें 2014 के बारे में तो 2014 में श्रीलंका की टीम ने गोल्ड मेडल आपका नाम करो तो इस बार सबने युवा टीम से उम्मीद है कि यह टीम गोल्ड मेडल जरूर लेके आवेगी। तो थारी इन सब के बारे में कह रहा है कि यह टीम गोल्ड मेडल ला सकेगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो और अगर वीडियो सुखा लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लियो।